तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जो है वह देश ही देश का नहीं पूरे विश्व का हालात क्या है। तो हमने सोचा कि इस स्थिति में आप लोगों का पढ़ाई कैसे हो, और इसको ही हम सोचते समझते एक निर्णय लेना पड़ा हमें कि ये लॉकडाउन की स्थिति में हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा कैसे दे। उसके लिए मैंने ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ाने का शुरुआत किया, और ऑनलाइन के माध्यम से जो आप क्लास में आप सीखते हैं वो चीज़ आपको मैं यहाँ भी सिखाऊंगा, और आपको जो भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा, एक बार नहीं 10 बार आप हमको अब मैसेज कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो हम 24 घंटा आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि देश सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होता है। तो मैं ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना है और आप लोग को पढ़ना है, और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको किस तरीके से तैयारी कराना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारे टेक्निक टिप्स आपको हम बताते रहेंगे, और वीडियो बना बना के हम अपलोड करते रहेंगे। और आप मैथ में जो आपको समस्या अभी तक हुआ, उन सारे समस्याओं को हम वादा करते हैं कि आपको कभी भी नहीं होगा, और आप मेरा वीडियो हमेशा देखते रहिएगा। जो पूरे मैथमेटिक्स का हम वीडियो बना बना के अपलोड करेंगे, अगर उसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आपको मैथ में ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगा, ये आपसे मेरा वादा है। तो आप लोग जो आप मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप देखते जाइए, समझते जाइए, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको कितना बढ़िया से समझ में आ रहा है, और कैसे आज तक अगर मैथ जिस बच्चा को नहीं समझ में भी आया है उसको भी बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, क्योंकि मैं केवल टेक्निक और ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता मैथ में नहीं है, आप बहुत कम दिमाग लगा के और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, वैसा एक से एक आपको टेक्निक और ट्रिक्स आपको हम देंगे। और आप देखिएगा वीडियो के जब मैं सॉल्यूशन करना शुरू करूंगा, क्वेश्चन बनाना शुरू करूंगा, तो आप देखिएगा कि 99% क्वेश्चन आपसे खुद से बनने लगेगा, किसी टीचर की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। खैर, हम लोग आज जो शुरुआत करने वाले हैं कैलकुलस का, क्यों कैलकुलस आप पूछिएगा कि सर कैलकुलस क्यों पढ़ाना शुरू करेंगे। पहले तो मैट्रिसेस होता है, डिटर्मिनांट होता है, रिलेशन होता है, फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, ये नहीं शुरू करके आप डायरेक्ट कैलकुलस शुरू कर रहे हैं। हाँ, कैलकुलस शुरू करने के पीछे वजह है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कैलकुलस से 50% सिलेबस मैथमेटिक्स का कवर होता है। आपको पता होना चाहिए कि केवल कैलकुलस से ही 44 से 45 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है 44 से 45, बहुत बड़ा मार्क्स का अचीवमेंट यहाँ से आप कर सकते हैं, 44 से 45 मार्क्स का। तो हम लोग सबसे पहले अगर कैलकुलस को देख लेते हैं और कैलकुलस को बढ़िया समझ जाते हैं तो 44 से 45 मार्क्स आपके पास चला जाएगा। बाकी के चैप्टर जो है वो बहुत आसान है, उसको हम लोग कहिएगा तो 15 दिन 20 दिन के अंदर में टोटल सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको समय लगेगा। तो समय लगने वाला जो बड़ा सबसे चैप्टर है उसी को हम लोग कवर कर लेंगे, और बाकी छोटा छोटा चैप्टर है उसको हम आसानी से खत्म कर लेंगे। खैर, हम लोगों को पढ़ना है आज कैलकुलस, तो आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलस जो है वो 70 से 80% सिलेबस कवर करता है 12th में। 12th में 70 से 80% को सिलेबस कवर करता है केवल डिफरेंशिएशन कैलकुलस। और कैलकुलस को मैंने एकदम इजी वे में मैंने बांट दिया है, इजी वे में बांट दिया है 3 भाग में।
पहला देखिए डिफरेंशिएशन, जिसको आप डेरिवेटिव्स भी बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इंटीग्रेशन, जिसको आप एंटी डेरिवेटिव्स बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब तक आपको ये दोनों पार्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर नहीं होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लियर करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन जानना होगा और इंटीग्रेशन जानना होगा। तो आपके दिमाग में बात आ गया होगा कि सर हमको पहले ये डिफरेंशिएशन बताइए, पहला पार्ट है तो आखिर डिफरेंशिएशन कहते किसको है। ये आपके दिमाग में बात आएगा कि डिफरेंशिएशन कहते किसको है। तो डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं सबसे पहले उसको समझ लीजिए और उसके बाद हम आगे की फंडा को आपको समझाते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं डिफरेंशिएशन इज द एक्शन ऑफ कंप्यूटिंग। समझिएगा डिफरेंशिएशन इज द एक्शन ऑफ कंप्यूटिंग ए डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। यही खेला है, यही वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर ये चीज आप समझ गए वाई इज इक्वल टू एफ एक्स तो डेरिवेटिव्स का आप हाथ पैर सब तोड़ दीजिएगा। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स यही समझना है, यानी कि अगर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है तो y जो होगा वो क्या होगा और एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा। y जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और एफ एक्स जो होगा वो डिपेंडेंट होता है। ये y इंडिपेंडेंट होता है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, केवल इससे मतलब होता है x से। तो ये x इसीलिए लिखा गया कंप्यूटिंग अ डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y, यानी एक्शन कौन करेगा, एक्शन जो करेगा वो x करेगा ऑफ अ वेरिएबल x, ऑफ अ वेरिएबल x इज मेजर ऑफ द रेट एट व्हिच द वैल्यू ऑफ y ऑफ द फंक्शन चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ वेरिएबल x, यानी जो खेला होना है वो x पे होना है। आपको y इंडिपेंडेंट है, याद कर लीजिए y इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है, जो खेला होना होगा वो x पर होगा। यानी अगर आप y को डिफरेंशिएट करिएगा तो x के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन रहेगा x में, यहाँ x में है तो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कीजिए। अगर यहाँ t रहेगा तो लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, k रहेगा तो लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू k, l रहेगा तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू l। मतलब ये x जो है उसी पर पूरा खेला होता है और इसी खेला को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। That is y is equal to fx, मैं फिर से उसी बात को लिखा, that is y is equal to fx, now differentiating with respect to x, देखिए मैंने लिखा है कि अगर यहाँ x रहेगा तो लिखेंगे differentiating with respect to x, इसमें आप जोड़ सकते हैं b get, कोई प्रॉब्लम नहीं है, differentiating with respect to x b get। तो जैसे ही आप कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हुआ, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा dy by dx, और यहां पर f डैश x ये डिनोटिंग टर्म है, dy बटा dx इक्वल टू f डैश x, ये इसको डिनोट किया जाता है। जहां डिफरेंशिएशन कहेगा y का डिफरेंशिएशन कहेगा तो dy by dx, अगर यहां पर m का डिफरेंशिएशन कहता विद रिस्पेक्ट टू x तो dm by dx, l का कहेगा तो dl by dx, और यहां x में रहेगा तो उसको डैश लगा दीजिएगा। दैट इज द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जब हम दिस दो फॉर्म इज दिस इस दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो इसके और भी फॉर्म हो सकता है, और वो क्या होगा वो यहां समझने की जरूरी है कि दैट इज द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन dy / dx = f'x। इसी को हम लोग y डैश भी लिख सकते हैं। पूछिएगा कि सर y डैश यहां क्यों लिखवाए, जब मैं इस पर डैश लिख के डिफरेंशिएशन बना सकता हूं तो क्या इस पर डैश लिख के डिफरेंशिएशन नहीं बना सकते हैं। तो इसी के आधार पर कहा गया कि na डैश तो डिफरेंशिएशन पे, na डैश तब भी डिफरेंशिएशन, और कहा गया कि जब डैश माने डिफरेंशिएशन तो एक लिख देंगे तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब विभिन्न प्रकार के मैथमेटिशियनों के दिमाग में विभिन्न प्रकार की बात आई,
उस बात के आधार पर किसी ने dy by dx लिख दिया, किसी ने f dash x लिख दिया, किसी ने y dash लिख दिया, किसी ने y1 लिख दिया, और इसी के आधार पर डिफरेंशिएशन का फॉर्म बनता गया। और आप लोग भी चालू पुरिया आदमी हैं, कभी आपको ही मन करेगा तो y n dash लिख दीजिए और उसको अगर बुक में छाप दीजिएगा तो कल से वो भी पढ़ाई होने लगेगा कि n भी डैश रहेगा तो ये डिफरेंशिएशन होगा। तो वो सब अलग की बात है। खैर यहाँ देखिए y1 रहेगा, ये सारे के सारे जो फॉर्म है ऑल फॉर्म इज सेड टू बी डिफरेंशिएशन। यानी अगर आपको dy बटा dx लिखा रहा है टेंशन नहीं लेना है, f डैश x लिखा रहा है टेंशन नहीं लेना है, y डैश लिखा रहा है टेंशन नहीं लेना है, y1 लिखा रहा है तब भी टेंशन नहीं लेना है, हमको ये कहीं भी ऑप्शन मिल जाए, कहीं भी मिल जाए इस प्रकार की बात, तो हम लोग एक चीज समझेंगे कि वह डिफरेंशिएशन है। तो बस हम लोग समझ गए कि डिफरेंशिएशन है। अब कहता है कि आखिर ये बना कैसे, तो इस फॉर्म को बनने में आप लोग 11th क्लास में डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़े होंगे और वहां पर dy बटा dx कैसे बना था उसके लिए एक टर्म तैयार किया गया था कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x, इसको पढ़ते हैं डेल, इसको पढ़ते हैं हम लोग डेल। तो डेल y बाई डेल x इक्वल टू dy बाई dx, यानी कि यहां पर आपको समझ लीजिए कि अगर यहां डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाए और नीचा में रहेगा तो जो टेढ़ पूंछ भेल है वो सीधा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, यहां लिख देते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा t, तो क्या कीजिएगा पूंछ को सीधा कर दीजिए, यानी ये बन जाएगा dy बटा dt और फिर ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हमको यही देखना है कि जो पूंछ है उसको सीधा कर देना है, कब, जब यहाँ डेल्टा लग जाएगा तब, अगर टेंड्स टू 0 होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका डेरिवेटिव्स का फॉर्म हो जाएगा। तो इस फॉर्म को डेरिवेटिव फॉर्म कहेंगे, इस फॉर्म को भी डेरिवेटिव फॉर्म कहेंगे। ये तमाम चीज जो है वो डिफरेंशिएशन को डिफाइंड करता है। अब यहां बात हो गई कि ये तो हम डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन जान गए। अब डिफरेंशिएशन को हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या टेक्निक होना चाहिए, क्या ट्रिक्स होना चाहिए, वो समझना है। अब क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन बनाने चाहते हैं, अब क्वेश्चन तो बनाते रहते हैं और सारा के सारा डिफरेंशिएशन पढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम कहां होता है, क्वेश्चन जब आपको मिलता है वहीं पे प्रॉब्लम होता है। मिल गया, मान लीजिए कि यहाँ का क्वेश्चन, वहाँ का, लघुगणक का, चेन रूल का, सम रूल का क्वेश्चन मिल गया। अब चैप्टर वाइज आप पढ़ते जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपको मिक्स प्रॉब्लम आ जाएगा और कहेगा कि इसको बनाइए, आपके दिमाग का बत्ती जलना शुरू हो जाता है। कैसे जलता है भाई, कि अब आपको ये पते नहीं चलता है कि ये चेन रूल का क्वेश्चन है कि लघुगणक का है कि भैया ये पैरामीट्रिक का है, ये पता चलता ही नहीं है। और अगर चैप्टर बाई टाइप बाई आप पढ़ते जाते हैं तब तो आप उस समय उसी धर्रा पर बना लेते हैं, लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ बनना बंद हो जाता है, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाए, क्या लगाए कि ये क्वेश्चन बने। तो आज के बाद ये सारी टेंशन आप लोग भूल जाइए, क्वेश्चन मिलेगा और आपको पता चलेगा कि इसमें क्या लगाना होगा और कैसे लगाना होगा, ये क्वेश्चन बनेगा। आपको टाइप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और कंसेप्ट होगा मात्र दो लाइन का, एक फॉर्म और दूसरा ट्रिक। फॉर्म और ट्रिक आप पढ़ लीजिए और किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं का हो, आपको बनेगा, हर हाल में बनेगा। इसीलिए मैं टाइप नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। कंसेप्ट पढ़िएगा और आपका क्वेश्चन हर हाल में बनेगा, ये मेरा 200% गारंटी है। खैर अब मैंने इसको किस तरीके से अलग अलग फॉर्म दिया है, अलग अलग इसको मैंने तोड़ा है, उसको समझ लीजिए। मैंने तो ये तीन भाग में तोड़ दिया, अब इसको आसान करने के लिए, इजी करने के लिए फिर से मैंने तोड़ना शुरू किया। कैसे तोड़ा, मैंने डिफरेंशिएशन को, ये जिसको डेरिवेटिव्स कहते हो,
उसको भी मैंने दो भागों में तोड़ दिया। पहला भाग भैया ये हुआ और सेकेंड पार्ट ये हुआ। फर्स्ट पार्ट को मैंने नाम दिया जनरल डिफरेंशिएशन, बुक में नहीं मिलेगा, खोज के देख लीजिएगा जनरल डिफरेंशिएशन। और दूसरा हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपको बुक में मिल जाएगा लेकिन जनरल डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा। अब इस जनरल डिफरेंशिएशन को मैंने 10 भागों में तोड़ दिया। पहला सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, दूसरा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तीसरा इनवर्स डिफरेंशिएशन, इसको पढ़ लीजिएगा डिफरेंशिएशन DIFF शॉर्टकट में डिफरेंशिएशन को हम ये लिखते हैं, समझ जाइएगा क्या है शॉर्टकट में डिफरेंशिएशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने शॉर्टकट लिखना शुरू किया क्योंकि शुरू से डिफरेंशिएशन डिफरेंस कितना लिखेंगे, इसलिए इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिफरेंशिएशन। चलिए अब चौथा हो गया एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, पांचवा हो गया इम्प्लीसिट फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, कंडीशनल इनवर्स डिफरेंशिएशन, आपका सातवा हो गया इनफाइनाइट सीरीज ऑफ डिफरेंशिएशन, आठवा हो गया आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन, नौवा हो गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और दसवा हो गया पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। सर ये जो आपने देखा 10 पार्ट, यही 10 पार्ट से बनेगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसी से बनेगा आपका इंटीग्रेशन और इसी से बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर आप इसको बढ़िया से नहीं जानते हैं तो ये तो आपको बनने से रहा और ये भी आपको नहीं बनेगा और ये भी आपको नहीं बनेगा। इसीलिए इस 10 को इतना बेहतरीन तरीके से इतना ज्यादा से ज्यादा बनाना होगा कंसेप्ट और टेक्निक के माध्यम से कि ये सब आपको हलवा लगने लगेगा। हलवा आप बनाइएगा, देखिएगा कि आप इसको पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद ये सब चैप्टर देखिएगा कि कैसे आपसे बिना कुछ समझे बूझे आपको इजी भी में बनेगा, इतना आसान से बनेगा कि आप सोच नहीं सकते, बड़ी आसान तरीके से बनेगा, एकदम लगेगा कि सारा क्वेश्चन हमको बुझा रहा है। अब इस तमाम चीज को पढ़ने के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए कि सर हम डिफरेंशिएशन तो करेंगे तो कैसे करेंगे। अब आपको फॉर्मूला पता रहेगा नहीं तो डिफरेंशिएशन बनाइएगा कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पहले आपको हम बताएंगे, उस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को जब आपको बता देंगे तब आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी कि अब हम उसको यूज कैसे करें। हथियार चाहिए, हथियार के गोली चाहिए और गोली नहीं रहेगा तो किस चलाइएगा। तो आपको हथियार दे दिए हैं, इसमें गोली भर देना है, छोड़ देना है, भनाभन बनेगा। तो चलिए गोली देख लीजिए कि क्या है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। आप लोगों को मैं नहीं कह सकता हूं चाहे नहीं कहूंगा कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद है, जानते भी हैं, लेकिन उस फॉर्मूला का हम लोग जो यूज करेंगे वो एक बार अगर बता देते हैं तो आपको बड़ा आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। तो गोली ले लीजिए और हथियार ले लीजिए और चलाना हम आपको सिखा देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन। ये आप 11th क्लास से रट्टा मारते आ रहे हो लेकिन फिर से लिख दे रहे हैं, कैसा नहीं हो कि सर कुछ बच्चा तो जानते होइएगा कुछ बच्चा नहीं जानता हो कि अब क्या है सर पता नहीं चला। तो गोली ले लीजिए उसके बाद चलाना सीख जाइएगा। एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन होगा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। इसको हिंदी में पढ़ेंगे एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन पूछिएगा तो बोलिएगा कि एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन होता है। ये हो गया।
दूसरा गोली है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कॉस एक्स। तीसरा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स को हम लोग पढ़ेंगे माइनस साइन एक्स। चौथा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ टैन एक्स, और टैन एक्स का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। पांचवा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स इसको हम लोग लिख देंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर। और छठा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। और सातवां फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, और इसको हम लोग पढ़ेंगे कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए अब इसको आप लोग देखिए, अब हम लोग आठवां फॉर्मूला देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, इसका फॉर्मूला हो जाएगा e टू द पावर x। नौवां डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x इंटू log a। दसवां फॉर्मूला हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ आपका साइन इनवर्स। देखिए जब माइनस वन दे दीजिएगा तो उसको इनवर्स पढ़िएगा, साइन इनवर्स एक्स वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ टैन इनवर्स एक्स वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ आपका कॉट इनवर्स एक्स जो होगा माइनस वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स जो होगा वन बाई मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ आपका कॉसेक इनवर्स एक्स जो हो जाएगा माइनस वन बाई मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए यहाँ पर तीन ऐसा फॉर्मूला है उसके लिए आपको हम बता दें कि ये जो इनवर्स वाला है बड़ा आसान है। अगर साइन का जो फॉर्मूला होता है वही कॉस का होता है, देखिए साइन इनवर्स एक्स का है वही कॉस इनवर्स एक्स का है, लेकिन यह प्लस में है माइनस में, जो टेन इनवर्स का है वही कॉट इनवर्स का है। देखिए खाली क्या बदलता है, ये प्लस में होता है ये माइनस में होता है, ये sec इनवर्स x का है और ये cosec इनवर्स x का है, तो ये प्लस में होता है माइनस में। यानी तीन फॉर्मूला अगर आपको याद है इनवर्स का तो तीनों अपने आप याद हो जाए। यानी याद करना आपको साइन का, कॉस का और टैन का, यानी साइन इनवर्स का याद हो गया, कॉस इनवर्स का याद हो गया और टैन इनवर्स का याद हो गया, उसको याद कर लेना है, और जो इसके साइन इनवर्स के बाद कॉस इनवर्स होता है माइनस लगा देना है। सिंपल बात है, इसमें कहीं कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ यू प्लस भी
प्लस डब्लू, इस तरीके से ये आगे की ओर बढ़ता चल जाएगा। अगर माइनस में भी आप लगा दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आपका प्लस से माइनस में चला जाएगा, डी यू बट्टा डी एक्स प्लस माइनस डी वी बट्टा डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और डॉट में ये भी आगे आपका बढ़ जाएगा। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी होता है, और यू इंटू वी में क्या होता है कि यू को बाहर कर दीजिएगा, वी का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, प्लस वी को बाहर कर दीजिएगा, यू को डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। एक चीज आपके दिमाग में यू भी करने का, तो इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप पहले वी को रखिए बाद में यू को रखिए, तब भी चाहे यू को पहले रखिए वी को बाद में रखिए, तब भी आपके आंसर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब देखिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ यहां यू बाई वी की अगर बात हो जाए, यू बाई वी की अगर बात हो जाए तो क्या करेंगे, इसमें एक ही चीज पकड़ना होता है, इसमें आप जैसे तैसे नहीं लिख सकते, यू इंटू वी में आप जैसे तैसे लिख सकते हैं, लेकिन यू बाई वी में जैसे तैसे लिखिएगा तो आंसर गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए आपको इसमें वी को बाहर करना होता है और यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू को बाहर वी का डिफरेंशिएशन बटा वी स्क्वायर, मतलब हमेशा यू बटे वी डिफरेंशिएशन, मैंने आप जानते हैं डिफरेंशिएशन मतलब नीचे से होता है, टूटता है, डिफरेंस मतलब टूटता है, तो टूटता है टूट के कहां जाएगा नीचे, तो नीचे से शुरू कीजिएगा, यू बटे वी में नीचे से शुरू कीजिएगा, निचल का ऊपर का माइनस ऊपर का निचल का बटे निचल का स्क्वायर। और लास्ट है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ये मान जीरो होता है। कांस्टेंट क्या होगा ये आपको दिमाग में आने लगा होगा, फिर कांस्टेंट क्या होगा, एक्स भी कांस्टेंट हो सकता है, वाई भी कांस्टेंट हो सकता है, जेड भी कांस्टेंट हो सकता है, बशर्ते कि ये डिपेंड करता है कि डिफरेंशिएशन का फॉर्म क्या है। अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्म डी वाई बट्टा डी वाई बट्टा डी ए है और यहां पर एक्स दिया हुआ है, अगर आपको लिख दिया जाए कि इफ वाई इजिकल टू ए और फाइंड करने के लिए कहता है डी वाई बट्टा डी एक्स, तो यहां पर समझना होगा कि इसमें जो वर्किंग फंक्शन है कौन है, वाई और एक्स, तो वाई है इसीलिए ये इसका डिफरेंशिएशन होगा और इसके साथ एक्स नहीं है, क्योंकि वाई और एक्स के छोड़ के जो यहां फॉर्म रहेगा इसको छोड़ के कोई तीसरा चीज होगा वो उसको कांस्टेंट मानना है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए यहां पर डी वाई बट्टा डी एक्स की बात कीजिएगा तो यहां पर ए क्या बन जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में बात आएगी कि हम सर काहे मान ले कि ये जीरो होगा, इसके लिए मैंने एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन किया है, उस पर भी आप तोड़ सकते हैं। अगर देखिए अब इसको हम लिखते हैं वाई इजिकल टू ए, इसमें वाई है और इसमें एक्स है, इसमें तो एक्स नहीं है तो हम एक्स लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर जीरो, और एक्स टू दी पावर जीरो जब कर दीजिएगा और इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये पावर हो गया। इसके लिए फार्मूला आपको हम बताए हैं कि एक्स टू दी पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो एन इसका कौन है बताइए, एन इसका कौन है, जीरो है। तो अब इसका डी वाई बटा डी एक्स कीजिएगा तो क्या बचेगा, जीरो गुने ए, जीरो गुना ए एक्स टू दी पावर जीरो माइनस वन, जीरो में की संख्या से गुना कीजिएगा तो क्या बन जाए, जीरो बन जाए। इसीलिए कांस्टेंट को इस फॉर्मूला पर बैठाइए तब भी जीरो होगा और इस पर कीजिए तब भी आपका जीरो होगा, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा बशर्ते कि डी वाई बटा डी एक्स होगा। अगर यहाँ एक्स होता, यहाँ एक्स होता, यहाँ डी वाई बाई डी ए रहता तो एक्स जीरो हो जाता। तो डिपेंड करता है कांस्टेंट किस पर, इस डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म पर, यह चीज आपको ध्यान में रखना होगा। आगे हम आपको दिखाते हैं इसी तरीके से, अब हम लोगों को
देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स हो जाएगा, इसका लिखेगा वन बाई टू रूट एक्स, ये टूटता भी है समझे, लेकिन हम बता दे रहे हैं फॉर्मूला, ये बनेगा भी कैसे बनेगा वो हम आगे बताएंगे। 21 नंबर देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ अगर साइन 2x हो जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x, तो इसमें क्या किया, साइन का डिग्री तो आप जानते ही हैं, कॉस होता है, तो इसको कॉस, ये जो एंगल रहेगा वो नहीं बदलेगा, 2x लिख दीजिएगा, और ये 2x का डिफरेंस जो x का कोफिशियंट होगा उसको बाहर कर दीजिएगा, बस हो गया और ये बन गया। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि अगर सर साइन मान लीजिए कि कॉस टू कॉस के एक्स हो जाए तब क्या करें, तो आपको सिखाया नहीं साइन का डिग्री का नहीं होगा, साइन कॉस का कठिन होता है साइन में, तो लिखिए साइन, लेकिन क्या लगता है माइनस लगता है तो माइनस लगा दीजिए। एक्स का यहाँ कोफिशियंट कौन है के, जब एक्स का कोफिशियंट यहाँ दू था तो दू से गुना किए, एक्स का कोफिशियंट यहाँ क्या है के, तो के से गुना करें। उसी तरीके से अगर आप कहिएगा कि सर हमको टैन का बताइए, तो टैन के एक्स का, बिल्कुल टैन के एक्स का भी उसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए टैन का क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर, तो लिखिए सेक स्क्वायर के एक्स, एंगल तो बदलने के लिए मैंने बोला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर के है, तो जब एक्स के साथ के था तो के से गुना किए, एक्स के साथ टू था तो टू से गुना किए, यहाँ एक्स के साथ क्या है के है तो यहाँ भी के से गुना कर दिए। तो इस फॉर्मेट को याद नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज बनाया जाता है और ये चीज बनके आपको निकल जाता है। अब हम लोग इसको देखेंगे आगे की ओर की किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और कैसे इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये आपका मूल रूप से फॉर्मूला हो गया, उधर आपको मैंने हथियार दे ही दिया है कि, और उस हथियार में इस गोली को फिट करना है, गोली को फिट कीजिएगा और आपका डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाएगा। तो कैसे हम लोग फिट करेंगे और कैसे ये टूटेगा, कैसे ये बनेगा, अब मूलभूत वहां से डिपेंड करता है। तो मैंने सबसे पहला आपको बताया है कि सबसे डिफरेंशिएशन का पहला पार्ट जो हम आपको बताए हैं वो तो आपको पता ही होगा, सम रूल। सम माने आप लोग जानते हैं जोड़, सम माने होता है जोड़, यानी अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा पढ़ाई वाली बात कि सर सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, मैंने बोला है कि मैं दो लाइन से ज्यादा नहीं लिखूंगा तो नहीं लिखूंगा, यही दो लाइन, एक होगा फॉर्म और दूसरा होगा ट्रिक। अब सम के बारे में कौन नहीं जानता है, सम माने होता है जोड़, अब आप लोग पढ़े हैं सम माने जोड़, लेकिन मैंने सम माने तो जोड़ नहीं पढ़ा है, सम माने आपका घटाव भी होता है। पूछिए कैसे, कि आप लिखते हैं 2 + 2 = कितना 4, और 2 + -2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी माइनस 2 को भी जोड़ा जा सकता है, तो इसका वैल्यू 2 - 2 होता है = 0, यानी माइनस को भी जोड़ा जा सकता है। यानी कि ये सम का अर्थ यहां पर दो चीजों से निकल के आता है, एक प्लस और दूसरा माइनस, प्लस और माइनस, क्यों, क्योंकि मैंने एग्जांपल में दिखाया है कि प्लस और यह माइनस का चिन्ह होते हुए भी प्लस है। तो सम रूल, इसका सम लिखने का अर्थ ही है कि जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में बदल दीजिए, यानी जो फॉर्म, जो क्वेश्चन का फॉर्म आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूप में होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होगा, फॉर्म ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया, यानी जो क्वेश्चन बनेगा चाहे वो जो भी हो उसका रिजल्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही होगा, आपको मैं साबित करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने लिखा है कि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही रूप आएगा, जहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्म दिख जाए
वहां पे आप सम रूल लगाना शुरू कर दीजिए। कुछ मत सोचिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिखिएगा, वहां सम रूल लगेगा। और इसके लिए मैंने ट्रिक्स लिखा है, ट्रिक्स लिखा है पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट, गेटिंग द रिजल्ट, एकदम बच्चा वाली बात। यानी दो आपको एक चीज याद रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में ला देना ही, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ला देना ही आपका क्या हो जाएगा, सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और इसको बनाने के लिए आप क्या लगाएंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ गेटिंग द रिजल्ट। अब आपके दिमाग में देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ये दो रूप और बनेगा। तो आपने पढ़ा है कि फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड एडिशन, एडिशन को आप जोड़ते चल जाओगे तो आपका क्या बन जाता है, मल्टीप्लीकेशन। यानी एडिशन से क्या बन गया, मल्टीप्लीकेशन। और इसको तोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, डिवाइडेशन। यानी कुल मिला के अब यहां से एडिशन से बन गया सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन से बन गया मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन से बन गया डिवाइडेशन। आपके दिमाग तो उड़ने लगा होगा कि सर यहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन सबको आप एडिशन कह रहे हैं, कैसे सर, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखिए यहां पे 2+2=4 प्लस का चिन्ह है, 2+-2 लिखेंगे 0 हो जाएगा, रिजल्ट बदलेगा लेकिन रूप यही होगा। अगर हम लिखते हैं 2+2+2+2+2 1 2 3 4 5 तो हम लोग कितना लिखते हैं 10, इसी को हम लिख सकते हैं 2 × 5=10। अब देखिए 5 बार है तो 5, देखिए यहां से 5 से मल्टीप्लाई की तो मल्टीप्लीकेशन भी क्या है, एडिशन ही है। मल्टीप्लीकेशन भी गौर कीजिए क्या है, एडिशन ही है, मल्टीप्लीकेशन भी एडिशन ही है। एडिशन तो एडिशन होता ही है, सब्ट्रैक्शन भी आपका एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन भी एडिशन है, और डिवाइडेशन भी एडिशन ही होगा। क्योंकि जब आप इसको 5 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं तो तोड़ के भी लिख सकते हैं। यानी आपका एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया सम रूल का क्या हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन, याद रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सम रूल हो गया आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन। ये रूप में जहां भी क्वेश्चन मिल जाए आप ट्रिक लगाइएगा, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। इसको मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। अब इसको तो हमने आपको समझा दिया, अब कहिएगा कि इतना समझा देने से क्वेश्चन बनेगा, सर बिल्कुल बनेगा। अभी आपको हम दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहां पर आप देखिए कि अगर मैं लिख दिया कि इफ, सबसे पहले किसके क्वेश्चन कैसे रहेगा, वाई के बराबर रहेगा। मैंने आपको बोला है कि एक इंडिपेंडेंट फंक्शन और दूसरा डिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इफ वाई इज इक्वल टू, अगर एक्स टू दी पावर 4 है, एक्स टू दी पावर 4 है और फाइंड करने के लिए कहता है डीवाई बाई डी एक्स, एकदम छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन देखिए, वाई इज इक्वल टू। अब यहां पर देखिए ये वाई है, नीचे एक्स है। मैंने आपको बोला है कि जो नीचे होगा उसी पर पूरा खेला होगा। अगर यहां एक्स है तो क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। अगर यहां पे टी रहता तो लिखना पड़ता डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, लेकिन एक्स है इसलिए लिखना पड़ा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और क्या बन जाएगा, डीवाई बटा डीएक्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो यहां एन के जगह पर देखिए, यहां एन है तो इसका एन है तो एन लिखाया, लेकिन इसका एन कौन है, 4। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 4। एक्स में कोई परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, और देखिए एन में से एक घटा है तो इसका एन कौन है, 4 है,
तो चार में से एक घटा दीजिए, तो सर बन गया डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू फोर एक्स क्यू, और ये आंसर हो गया। अब इसी के आधार पर अब क्वेश्चन में हो जाएगा कि इफ वाई इक्वल टू एक्स के पावर थ्री बाई टू, फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे यहां पर फिर से वही, क्योंकि देखिए यहां पर x है तो यही बात लिखाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बी गेट, अब लिखिएगा dy बटा dx इज इक्वल टू, अब देखिए यहां n कौन है थ्री बाई टू, ऊपर में जो होगा पावर वही आपका n होगा, तो यहां n जब n था तो n लिखते थे, यहां n की जगह पर क्या थ्री बाई टू, तो लिख दीजिए थ्री बाई टू, एक्स में कोई परिवर्तन नहीं, जितना पावर रहता है उसमें से एक घट जाता है, तो मैं भी घटा दिया। अब यहां पर देखिए dy बटा dx इक्वल टू 3 बाई टू x टू दी पावर, यहां पर LCM ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, 3 माइनस 2, अब यहां पर dy बटा dx इक्वल टू 3 बाई टू x टू दी पावर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 बाई टू, और ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 बाई टू को हम लोग रूट में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बाई टू इंटू 1 बाई रूट एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को 3 बाई टू रूट एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा हम चलो करो ये वाला बोल दे सकते हैं, तो फिर से इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर जितना पावर है आप देख सकते हैं कि थ्री में से टू जाएगा तो कितना बचेगा वन, नीचे में टू है तो ये ऊपर में ही है, इसीलिए आपका थ्री बाई टू रूट एक्स हो जाएगा, यानी थ्री रूट एक्स बाई टू भी आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ मान लीजिए कि एक्स के पावर जो है आपका फोर हो जाए प्लस, अब यहाँ पर साइन एक्स लिख दे माइनस कॉस एक्स लिख दे, और अब कहे कि सर इसका फाइंड डी वाई बाई डी एक्स लिख दीजिए, तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है इसलिए यहां भी लगेगा पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, ये आप रख जाइएगा कि अगर यहां एक्स है तो लिखाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहां पर फिर से लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए एन यहां पर कौन है चार, तो एन के जगह पर कितना लिखेंगे फोर, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं फॉर्मूला लिखा हुआ है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, तो साइन एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे कॉस एक्स, और कॉस एक्स के जगह पर क्या लिखा हुआ है माइनस साइन एक्स, तो यहां से माइनस है और फिर से आप माइनस साइन एक्स लिख दीजिए और सॉल्व कीजिए, तो क्या मिल गया डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू 4 एक्स 3 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि केवल फॉर्मूला हमको याद हर मेरा काम हो जा रहा है, उसी तरीके से अगर वाई इजिकल टू साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स हो जाए और फाइंड करने के लिए कहे डी वाई बाई डी एक्स, सर क्या है फॉर मल्टीप्लीकेशन का, एडिशन का था सब्ट्रैक्शन का था, क्या लगा पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, इनटू का है क्या लगेगा पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, अब सर ये बन गया u और ये बन गया v, अब इसको फिर से वही लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x v गेट, और सॉल्व कीजिएगा dy बटा dx इक्वल टू, पहले क्या करना है फॉर्मूला में u को बाहर करना है तो sin x सर बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x हो जाएगा, फॉर्मूला में आप देखो प्लस लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है e टू द पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ sin x by dx, सॉल्व करिएगा sin x into e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, अब पूछिए कि sin x का सर कुछ क्यों नहीं किए, जानिए sin x के पहले d लगा हुआ नहीं है, जिसके पहले d लगा होगा उसी का डिफरेंशिएशन होगा, d नहीं लगा होगा उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसको रट लीजिए दिमाग में बैठा लीजिए कि जिसके पहले d उसका डिफरेंशिएशन, जिसके पहले d नहीं उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा,
फिर से प्लस e टू दी पावर x, और यहाँ साइन x का पर d लगा हुआ है, e के पावर x लगा, e के पावर x का पर d लगा हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ नहीं किए, लेकिन साइन के पहले d लगा हुआ है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा और साइन x को हम लोग लिख देंगे cos x। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन उमन हो रहा है तो कॉमन ले लीजिए, आप यहाँ पर भी आंसर लिख दीजिएगा तो नंबर कटने वाला नहीं है, लेकिन सुंदर लगने के लिए आप e टू दी पावर x को कॉमन कर लीजिएगा और यहाँ पे साइन x प्लस cos x लिख दीजिएगा, आंसर लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से हम आसानी से पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, यानी जोड़ में हो, घटाव में हो, गुना में हो, भाग में हो, यानी किसी भी रूप में हो, तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर हमको फॉर्मूला याद है तो समस्या होने का कहीं कोई बात ही नहीं है। उसी तरीके से अगर लास्ट एक क्वेश्चन देख लीजिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स बटा अगर हम log x कर दे और फाइंड कहे dy बटा dx, तो आपको तो दिमाग में आने लगा होगा कि यहाँ पर u बटे भी हो और u टू u बटे भी है, तो आप कहिएगा कि सर u बटे भी है, आप तो बोले हैं कि गुना, तो गुना नहीं हो सकता है, साइन एक्स इंटू वन बाई लॉग एक्स कर दी इंटू में हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा क्यों करने जाए, जब u बटे भी का फॉर्मूला ही हमको पता है तो हम ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर वाले को u मानेंगे, नीचे वाले को भी मान लेंगे, इसका फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं कि u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता तब भी बगल में लिख देते हैं u बाई v, पहले v du बटा dx माइनस फिर से u dv बटा dx बटा में v स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब बताइए v कौन है, अब इसको तो लाइन ही लिखना ही पड़ेगा ना हमको, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, v गेट लिख देंगे। अब आप जरा देखिए dy बटा dx लिखिए, अब आप देखिए कि v है कहाँ, तो v यहाँ है, तो इस v को लिखना पड़ेगा, यहाँ v के जगह पर कौन है, log x, तो आप लिख दीजिए log x, उसके बाद किसका चिन्ह है d का, तो d दीजिए, उसके बाद किसका चिन्ह है u, तो u कौन है, sin x, तो यहाँ पर बैठाइए sin x, बटा में क्या है सर dx, तो लिखिए dx, उसके बाद क्या है माइनस, तो लिखिए माइनस, यू के जगह पर कौन है, देखिए देखने की चीज है साइन एक्स, फिर क्या है डी है, तो डी है, और भी के जगह पर कौन है लॉग एक्स, तो यहां पर हम लोग लॉग एक्स लिख देंगे, बटा में क्या है डी एक्स, तो लिख देंगे डी एक्स। यानी इसको उठा के इस मशीन में फिट कर देना है, इसको उठा के इस मशीन में फिट कर देना है, देखिए फिर पूरा का बटा, तो पूरा का बटा भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर भी के जगह पर कौन है लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसके पहले डी लगा हुआ है नहीं, कुछ करेंगे नहीं, लॉग एक्स को छोड़ देंगे, अब इसके पहले डी लग गया, तो डी लग गया तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, और डिफरेंशिएशन डी का साइन के चलते डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स रहेगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पता है 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। आपको लिख देते हैं फिर से हम कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स जो होगा वह 1 बाई एक्स होगा, तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स हो जाएगा, बटा है लॉग एक्स है, होल स्क्वायर है, लिखिए आंसर लिखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यानी फॉर्मूला याद है तो आपका प्रॉब्लम बनने से कोई रोक सकता है, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन के रूप में रहेगा, तो वहाँ पे सम रूल लगेगा, और सम रूल के लिए एक ही ट्रिक याद है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो आज आपने हथियार भी सीख लिया, उसके बाद आपने गोली भी सीख लिया, हथियार भी है गोली भी है, चलाना भी कुछ सीखे हैं, लेकिन अगले क्लास में आपको धराधर कैसे चलेगा और कैसे ये दसों के दसों डिफरेंशिएशन
चुटकी में मात्र दो दो लाइन याद करके कैसे बनेगा वही चीज आपको हम सिखाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आप देखिएगा, आपको पूरा डिफरेंशिएशन में मजा आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ किए हैं। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।